यह जो दृश्य है यह दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 सुंदरपुर महारानी पोखर के पास का है। यहाँ जो लोग देख रहे हैं बता रहे हैं इनकी समस्या ये है कि इन लोगों ने कहा कि 2019 में नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी एवं वर्तमान वार्ड पार्षद जयंती देवी के द्वारा इस सड़क निर्माण के लिए इसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। नाला तो जरूर बना लेकिन वो भी नाला ढंग का नहीं बना, जिस कारण बरसात होने के बाद पानी बाहर निकल जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इन लोगों का कहना है कि जब सड़क का शिलान्यास हुआ तो आज तक सड़क क्यों नहीं बना। हम नगर विधायक संजय सरावगी जी से आग्रह करते हैं कि जब इस सड़क का शिलान्यास किया गया तो ये सड़क अभी तक क्यों नहीं बना है। सड़क जल्दी बने इसके लिए हम उनसे आग्रह करते हैं। यहाँ के लोगों में काफ़ी परेशानी देखा गया, लोगों ने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। समस्या का भरमार है, उस समस्या में एक समस्या है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 19वीं इसका शिलान्यास किया गया और हम यहाँ के नगर विधायक माननीय संजय सरावगी जी, अर्जुन सहनी थे विधान पार्षद रहे हैं, जयंती देवी यहाँ के पार्षद रही हैं, सबों ने कहा था कि अविलंब इस काम को समापन कर दिया जाए, किंतु बार बार यहाँ के लोगों के आग्रह करने के बावजूद भी उनके नाक पर बाल नहीं आया, क्यों नहीं रहेगी। और यथावत बता रहा, वो केवल इलेक्शन के समय में सबको पहचानते हैं, इलेक्शन के बाद समस्या से मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों ने बराबर उनको नोक किया है लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। यहाँ के लोगों ने तय किया है कि बार बार उनका खुशामद किया गया है और वह चाहते हैं कि यहाँ का जनता जागृत हो, क्रांति करे, क्रांति को आमंत्रण दे रहे, ऐसा न हो कि विधायक की बेइज्जती हो जाए अगर ये काम नहीं करे। नाम बताया जाए। सुभाष चंद्र झा। समस्या को लेकर, समस्या में सबका मैंने जल है, विधायक जी, विधायक जी जो है सो 2009 से इसके इसका मल्टीकरण हुआ और जब खरंजा हुआ तो हम लोग पूछे जब भाई उधर ढलाई हुआ इधर नहीं हुआ, कहेंगे अब ढलाई हो जाएगा। आज 11-12 साल हो गया आज ढलाई नहीं हुआ। जब ढलाई हुआ तो ऐसा ठेकेदार को वो दिए खाने पीने वाले को कि वो नाला जो बना सो उल्टे बन गया, हम लोग काम रोक दिया, उसका वो भी छोड़ दिया। इसकी सूचना जो है विधायक जी को कम से कम 10-12 बार दिए, कहेंगे ठीक है ठेकेदार बदल जाएंगे, हम आ रहे हैं देखते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं। क्या समस्या होती है इससे? वही मैंने बाढ़ में जो है सो बरसात में जो है सो पानी मैंने जमा हो जाता है। नाम बताया जाए। सच्चिदानंद झा। योजना से विशेष समस्या है। यहाँ के लोगों ने कहा कि इसका उद्घाटन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा 2019 में किया गया और अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? टोटली लापरवाही है ये वार्ड पार्षद से लेकर कर करके विधायक से लेकर के डिपार्टमेंटल जितने भी लोग हैं सभी इसके जिम्मेवार हैं। आज हमने हॉस्टल में लड़का को पैसा भेज दिया, लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, फुटानी कर रहा है, क्या कर रहा है, गार्जियन देख रहा काम है, वो फंड इशू कर देना, फंड मेरा सही जगह पर गया कि नहीं गया, वो प्रशासन का भी काम होता है, वो पैसा कारण ध्यान रखेगा तो खुद नहीं कमाएगा, इसे बदर बांट होता है। हमारे जी से आदरणीय विधायक नगर विधायक संजय सागी जी से इनसे रिलेटेड जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे मेरा नम्र निवेदन है जितना जल्द से जल्द हो इसको समस्या का समाधान। नाम बताया जाए। दुर्गानंद झा। सुंदर ये जगह है सुंदरपुर महारानी पोखर वार्ड नंबर 2 और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं जो सड़क की समस्या को लेकर के। क्या समस्या है? समस्या है जो 2019 में सरावगी और अन्य अर्जुन सहनी श्रीमती जयंती देवी द्वारा इसका सड़क का शिलान्यास किया गया और वो आज तक भी नहीं बना और इसकी ठेकेदारी जो है सो रमेश झा नवटोलिया पर जो है वो रहते हैं, उनका घर है। इसके लिए आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जो सड़क का निर्माण हो, ढलाईकरण हो, मिट्टीकरण के बाद खरंजाकरण के बाद ढलाई हो, यह नाला बन जाए, नाला का कनेक्टिंग मेन नाला में हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। नाम बताया जाए। नाम बताया जाए। इंद्रकांत झा।